Starting with our next practical. last time, Aapa Gita to determine the surface tension of a given liquid by drop weight method, If you memorize last practical, we drops 20 fixed kitiyasi. 20 drops we collected 20 drops of three different samples. One was water, second was acetone, and third was methanol. Uh, उन तीनों की हमने ट्वेंटी ड्रॉप्स अपनी ग्रेविटी बॉटल में स्टोर की थी उस ट्वेंटी ड्रॉप्स को हमने वे किया था एंड यूजिंग दैट वेट वी हैव कैलकुलेटेड द टेंशन ऑफ आर अनोन लिक्विड विच वॉज एसिटोन एंड मिथेनॉन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज समवट सिमिलर टू दैट Uh, हमारी जो ऑपरेटर्स uh, है हमारी जो वर्किंग है जो uh, हमें यू नो रिक्वायरमेंट्स है प्रैक्टिकल की वो बिल्कुल सिमिलर है लास्ट की तरह ही बट कुछ रिकॉर्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस होगा फ्रॉम द लास्ट वन ठीक है अगर हम यूजिंग स्टेलेग्मोमीटर बाय ड्रॉप वेट मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस टेंशन द सेकेंड मेथड यूजिंग स्टेलेग्मोमीटर इज

साइमटेनियसली जो हमारा पार्टिकल सर्फेस पे है उसपे नेट इनवर्ड पुल ज्यादा है एस कंपेयर टू द आउटवर्ड पुल क्योंकि इनवर्डली वो अपने लाइक like मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरक्ट कर रहा है और आउटसाइड इट इज इंटरक्टिंग विद द अनलाइक मॉलिक्यूल्स सो वो जो इम्बैलेंस हो रहा है इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस उसको काउंटर करने के लिए जो टेंशन प्रेजेंट है हमारी सर्फेस पे दैट इज कॉल्ड द सर्फेस टेंशन ठीक है बच्चे सो मूविंग अहेड टू द रिक्वायरमेंट्स जो हमें इस प्रैक्टिकल में चाहिए विच इज सिमिलर टू द लास्ट प्रैक्टिकल फर्स्ट हमें स्टेलेगोमीटर चाहिए सेकेंड हमें ग्रेविटी बॉटल चाहिए थर्ड हमें ब्यूर स्टैंड चाहिए एंड फोर्थ हमें वही तीन सैंपल्स चाहिए ठीक है बच्चे

हमने क्या किया था इसको अब द मार्किंग ए तक लिक्विड को सक कर लिया था फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम द लोअर एंड हमने से हमने लिक्विड को सक किया था ए से वन टू टू सेंटीमीटर ऊपर तक जैसे ही ए पर आया नीचे हमने ग्रेविटी बॉटल रख दी ग्रेविटी बॉटल में हमने सैंपल कलेक्ट किया कितनी ड्रॉप्स कलेक्ट की आफ्टर रीचिंग ए वी कलेक्टेड ट्वेंटी ड्रॉप्स ठीक है ट्वेंटी ड्रॉप्स जो मैंने कलेक्ट की इन द ग्रेविटी बॉटल उसको मैंने वे किया एंटी ग्रेविटी बॉटल को वे किया एंड आई कैन ईजिली गेट द वेट ऑफ दोज ट्वेंटी ड्रॉप्स ये हमने लास्ट प्रैक्टिकल में किया था आज क्या करना है हमने सो इन द प्रोसीजर फर्स्ट इट इज सिमिलर आई विल क्लीन द स्टेलेग्मोमीटर विथ क्रोमिकेसिड मिक्सचर वॉश इट विद वॉटर एंड ड्राई इट आई मस्ट इन श्योर कि मेरे स्टेलेग्मोमीटर में लास्ट यूजेज की कोई इम्प्योरिटी प्रजेंट ना हो बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था अगर इम्प्योरिटी होगी वो मेरे सैंपल को इम्प्योर कर देगी सैंपल इम्प्योर होगा तो उसकी सरफेस टेंशन ऑटोमेटिकली सफ़र करेगी ही करेगी ठीक um, so uh, है सो फर्स्ट इज़ आई विल क्लीन द स्टेलेगमोमीटर कंप्लीटली सेकेंड आई विल अटैच अ स्मॉल पीस ऑफ रबर ट्यूबिंग हैविंग अ स्क्रू पिंच कॉक एट द अपर एंड ऑफ द स्टेलेगमोमीटर ये ऑप्शनल है स्टेप मेरे लिए uh, अगर मेरे पास रबर ट्यूबिंग एंड पिंच कॉक है मेर, मेरी हैंडलिंग ऑफ स्टेलेग्मोमीटर इजी हो जाएगी अदरवाइज आई कैन हैंडल माय स्टेलेगमोमीटर यूजिंग अ फिंगर टू जो आप इस वीडियो में भी देखोगे नेक्स्ट आई विल यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर आई विल इमर्स आई थिंक इट इज विजिबल आई विल इमर्स द यू नो स्टेलेगमोमीटर इन माई लिक्विड सैंपल और मैं अपना सैंपल जो है वो सक करूंगी स्टेलेगमोमीटर मैंने आपको कहा ये वाटर है बच्चे वाटर की डेंसिटी वन है स्टिल काफ़ी फोर्स लग रहा है स का टू सक द सैंपल वो इसीलिए क्योंकि ये लोअर एंड में जो आप लोअर एंड देख रहे हो ना स्टेलेग्मोमीटर का इसमें कैपिलरी होती है बहुत फाइन उसमें से सैंपल सक करना मुश्किल होता ही होता है ठीक है राजे फोर्सफुली आपको सक करना ही पड़ेगा सो आई विल इमर्स द लोअर एंड ऑफ द स्टेलेग्मोमीटर इन द डिस्टिल वाटर मैं स्टेलेग्मोमीटर का लोअर एंड डिस्टिल वाटर में इमर्स कर दूंगी एंड सक द वाटर वन टू टू सेंटीमीटर अबव द मार्क ए जो मेरा यहाँ पे गिव uh, मी जो मेरी मार्किंग ए थी मेरी प्रीवियस स्लाइड में इस मार्क ए से वन टू टू सेंटीमीटर ऊपर तक मैं उसको साफ करूंगी ठीक है द पिंच कॉक इफ आई एम अटैचिंग अ पिंच कॉक टू तो माय स्टेलेक्मोमीटर फॉर इजी हैंडलिंग तो उसको मैं उस तरह से एडजस्ट करूंगी कि टेन टू फिफ्टीन ड्रॉप्स एक मिनट में मेरी फॉल कर रही है ताकि आई कैन इजिली काउंट द ड्रॉप और आई कैन गिव सफिशंट टाइम टू द ड्रॉप कि वो अपनी मैक्सिमम सर्विस एरिया अटेंड कर ले ठीक है बच्चे सो मूविंग अ हेड आई विल क्लाइम द स्टेलेगमोमीटर दिस इज वन मोर वीडियो जिसमें सैम्पल थोड़ी ब्लर्ड है बट थोड़ा सैंपल आपका आपने सक कर लिया यू विल एडजस्ट द लेवल ऑफ द सैंपल एंड देन विल यू विल जस्ट प्लेस योर स्टेलेग्मोमीटर ऑन द क्लैम्प यू विल क्लैम्प योर स्टेलेग्मोमीटर एंड अलाउ द ड्रॉप्स टू फॉल एंड स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ ड्रॉप्स वेन द मनिस्किस क्रॉसेज द अपर ए ये आपने क्लैम्प कर दिया है अपने स्टेलेग्मोमीटर को लोअर एंड में यू आर अटैचिंग योर ग्रेविटी बॉटल ग्रेविटी बॉटल में आप अपनी ड्रॉप्स काउंट करने लग जाओगे जैसे ही आपका लेवल ए क्रॉस हो रहा है ठीक है इन दिस प्रैक्टिकल हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन लास्ट में हमने ए मार्क से जैसे ही ड्रॉप गिरनी शुरू कर दी थी वी स्टार्टेड कलेक्टिंग द सैंपल और हमने तब तक कलेक्ट किया था जब तक सैंपल की ट्वेंटी ड्रॉप्स आपकी ग्रेविटी बॉटल में गिर नहीं गई थी ठीक है बच्चे इस प्रैक्टिकल में आप ए मार्किंग से बी मार्किंग के बीच में जितना सैंपल है वो कितनी ड्रॉप्स बनाता है एक आपने वो काउंट करना है सेकेंड यू विल नोट डाउन कि उन सारी ड्रॉप्स का क्या वेट है ठीक है बच्चे लास्ट प्रैक्टिकल से कैसे डिफरेंट है एक आप काउंट कर रहे हो नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो वो सैंपल बनाएगा व्हेन द सैंपल लेवल इज ऑन ए टिल दैट सैंपल लेवल रीचेस बी ठीक है बच्चे सेकेंड यू विल नोट डाउन वो सारी ड्रॉप्स का कितना वेट है यू विल रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर थ्री टाइम्स एटलीस्ट थ्री टाइम्स यूज़ करोगे रिपीट करोगे इस एक्सरसाइज को रेपिटेशन क्यों ज़रूरी होता है ताकि बाई चांस एक बार मेरी किसी तरह की प्रोसीजनल एरर मैंने इंक्लूड कर दी मेरी वर्किंग में कोई एरर थी वो मैं नलीफाई कर सकूं अगर नंबर ऑफ रीडिंग्स मैं ज़्यादा ले रही ठीक है बच्चे तो वो एरर का मार्जिन मेरा रिड्यूस हो जाएगा। जाएगाग्मीटर विद एल्कोहल एंड ड्राई इट आई विल ड्राई दैट स्टेलेग्मोमीटर और मैं उसको क्यों ड्राई करना जरूरी है क्योंकि मैंने बच्चे उस स्टेलेग्मोमीटर को दोबारा यूज करना है आई विल the गिवन सैंपल इन द स्टेलेग्मोमीटर

पहले एम टी का देन आफ्टर द एडिशन ऑफ ड्रॉप आई विल नोट डाउन द वेट फर्दर आई विल नोट द लैब टेम्परेचर ऑफ द वॉटर टेकन इन अगर दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल द प्रैक्टिकल जितने भी हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में करेंगे वी विल नोट डाउन द टेम्परेचर इन विच दैट प्रैक्टिकल इज परफॉर्म्ड ठीक है बच्चे सो इन ऑब्जर्वेशन आई विल रिकॉर्ड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फॉर वॉटर एसिटोन एंड मिथलॉन क्योंकि मेरे तीन सैम्पल्स हैं वॉटर है एसिटोन है मिथेनॉल उनके लिए क्या क्या नोट करना है नंबर ऑफ ड्रॉप फ्रॉम मार्क ए टू बी ए से बी तक कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप थी वेट ऑफ एम्टी वेइंग बॉटल एम्टी वेइंग बॉटल का क्या वेट है वेट ऑफ द वेइंग बॉटल विद सैंपल ये लास्ट टाइम जैसे ही है विद सैंपल क्या वेट है एंड वेट ऑफ द सैंपल कैसे निकालेंगे दिस बी माइनस ए विच विल बी इक्वल टू क्या मेरी वेट ऑफ ऑल द ड्रॉप्स फ्रॉम मार्क ए टू बी है ठीक है बच्चे आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया हो लास्ट से ये वाला अब क्योंकि अलोंग विद वेट दिस कॉलम वॉज प्रेजेंट इन द लास्ट प्रैक्टिकल है ना ये कॉलम प्रेजेंट था जिसमें हमने वेट ऑफ ड्रॉप्स लिया था ट्वेंटी ड्रॉप्स लिया था यहां मेरी वेट ऑफ ऑल द ड्रॉप्स है ना और उनका एवरेज मैंने काउंट किया आई हैव एडेड वन मोर कॉलम विच इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप्स है फ्रॉम ए टू बी फॉर द सैंपल वॉटर एसिटोन एंड मिथेनॉल जैसे एवरेज वेट फाइंड आउट किया था वैसे ही मैं एवरेज नंबर ऑफ ड्रॉप्स भी फाइंड आउट करूंगी कैसे होगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री डिवाइडेड बाई थ्री सिमिलरली जिस तरह से मैंने वेट फाइंड आउट किया था सर्फिस टेंशन इस केस में मेरी किसके बराबर होगी सर्फिस टेंशन ऑफ सैंपल फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कैलकुलेटिंग फॉर एसिटोन इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द सैंपल ये वाली रीडिंग नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ द सैंपल विच इज दिस रीडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर वॉटर की कितनी ड्रॉप्स हैं मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर विच इज सॉरी नॉट दिस दिस रीडिंग एवरेज एवरेज यूज करेंगे हम दोनों में ठीक है राजे ये वाली रीडिंग नहीं यूज करोगे आप एवरेज आप यूज करोगे ठीक है मल्टीप्लाइड बाय द सर्फिस वाटर वाई डूइंग दिस प्रैक्टिकल एंड द प्रीवियस प्रैक्टिकल जब भी आप स्टेलेगमोमीटर यूज कर रहे हो बच्चे बिकॉज यू हैव सीन इन दिस फॉर्मूला दैट योर सर्फिस टेंशन जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कंपेरेटिव है टू योर वॉटर हाँ जिसमें हम कह रहे हैं कि वॉटर की मेरी नोन वन सर्फिस टेंशन है ठीक है उसके कंपेरिजन में आप फाइंड आउट कर रहे हो अपने सैंपल की सर्फिस टेंशन सो यू मस्ट कीप दिस इन माइंड कि जिस टेलेग्मोमीटर से आपने प्रैक्टिकल शुरू किया उसी स्टेलेग्मोमीटर पे आप एंड कर रहे हो जिस स्टेलेग्मोमीटर पे आपने वाटर की रीडिंग्स ली उसी पे आपने एसीटोन की ली उसी पे मिथेनॉल की ली। ये इसलिए होता है ताकि हम स्टेलेग्मोमीटर की कंस्ट्रक्शन के कारण कोई एरर अपने प्रैक्टिकल में नहीं इंक्लूड कर रहे ठीक है बच्चे बिकॉज वी हैव आ कैपलरी एंड आई हैव शेयर्ड इन माई लास्ट प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन that स्टेलेगमोमीटर्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अवेलेबल होते हैं ठीक है अब अगर आप ड्यूरिंग प्रैक्टिकल अपना स्टेलेग्मोमीटर वाटर का एक में यूज कर ली एक में आपने फाइंड आउट कर लिया एसीटोन का दूसरे में करोगे कोई भी कंस्ट्रक्शन डिफरेंस होगा आपके नंबर ए स्टेलेग्मोमीटर एंड टू में वो आपके रिजल्ट में एरर क्रिएट कर सकता है तो आपने सिर्फ एक स्टेलेग्मोमीटर यूज़ करना है थ्रू आउट योर प्रैक्टिकल ठीक है बच्चे नेक्स्ट सिमिलरली उसी तरह से सर्फिस आप रिपोर्ट करोगे इज डैश एंड डैश एट टेम्परेचर जो आपके लैब का उस दिन था देन यू विल राइट डाउन द सोर्स ऑफ एरर दिस आर सिमिलर टू योर लास्ट प्रैक्टिकल ठीक है इसके अलावा आपको कोई भी एरर आपके माइंड में आते हैं आप राइट डाउन कर सकते हो रेफरेंस इज सिमिलर टू योर लास्ट प्रैक्टिकल क्योंकि हम सर्फिस टेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग स्टिलेक्मोमीटर यू कैन राइट डाउन द सेम रेफरेंस सो आई होप दिस दीज इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर टू यू एंड द वीडियोज हालांकि छोटी थी बट एटलीस्ट दे गिव यू अर रियल पिक्चर के होता क्या है एक्चुअली एंड हाउ दिस ऑल हैपन्स